नमस्कार दोस्तों, न्यू न्यूज के सबसे पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस सीरीज में जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बहुत ही कम समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हर वो अपडेट। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है Hyundai ग्रुप की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, Hyundai ग्रुप जो है वो अपनी वेन्यू में IMT ट्रांसमिशन इंट्रोड्यूस करने वाला है। IMT ट्रांसमिशन क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हम नॉर्मल गाड़ी में गियर लगाते हैं तब हम पहले क्लच दबाते हैं, गियर लगाते हैं, फिर क्लच छोड़ते हैं। IMT ट्रांसमिशन में आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आप जो है बिना क्लच दबाए गियर्स को मैन्युअली शिफ्ट कर पाएंगे। ये ट्रांसमिशन सबसे पहले आपको Hyundai वेन्यू में देखने को मिलेगा और उसके कुछ समय बाद जब किया की सोनेट लॉन्च होगी उसमें भी आपको IMT ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। अगली न्यूज जो है वो आ रही है होंडा इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, होंडा ने जो है भारत में अपनी WRV कॉम्पैक्ट SUV कम क्रॉसओवर को भारत में BS6 में लॉन्च कर दिया है। ये गाड़ी जो है दोस्तों आपको बोथ BS6 पेट्रोल और BS6 डीजल में अवेलेबल रहने वाली है। अगली न्यूज जो है वो आ रही है टाटा मोटर्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंडस्ट्री में जो है अब ये खबर फैल रही है कि टाटा मोटर्स जो है अपनी नेक्सॉन को DCT ट्रांसमिशन के साथ लॉन्च करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वो आइडियली Hyundai वेन्यू DCT को राइवल करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर लॉन्चिंग दिस। लेकिन दोस्तों इसका लॉजिक जो है मुझे इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि BS6 में AMT आ गया है, नॉर्मल पेट्रोल आ गया है, लेकिन उसके बाद DCT क्यों? लेकिन फिर भी जो खबर आ रही है कि टाटा मोटर जो है अपनी नेक्सॉन को DCT में जल्द से जल्द भारत में लाने वाला है। अगली खबर जो है दोस्तों वो भी आ रही है होंडा मोटर्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, होंडा ने जो है ऑफिशियली हमको बता दिया है कि वो लोग अपनी नई सिटी को भारत में कब लॉन्च करेंगे। जी हाँ दोस्तों, होंडा जो है अपनी नई सिटी को 15 जुलाई को भारत में लॉन्च करेगा। दोस्तों आज की जो आखिरी खबर है वो बेहद ही धमाकेदार है। जी हाँ दोस्तों, टाटा मोटर्स जो है अपनी टियागो को BS6 में डीजल में लॉन्च करने की सोच रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके जो है कई सारे स्पाई शॉट्स आए हैं जिसमें जो ये देखा जा सकता है कि टाटा मोटर्स अपनी टियागो को BS6 डीजल में लॉन्च करने की सोच रहा है। अब इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या टाटा मोटर्स अपने 1.05 लीटर डीजल को ही BS6 में अपग्रेड करेंगे या फिर वो कोई और डीजल इंजन लेके आ रहे हैं, लेकिन ये खबर पक्की है कि टाटा मोटर जो है अपनी टियागो को BS6 डीजल में टेस्टिंग जरूर कर रहा है। तो दोस्तों होप आपको न्यू न्यूज का ये सबसे पहला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते, लेकिन डिसलाइक कर ले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया। बाकी आप अगले वीडियो तक हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, अपनी फैमिली को थोड़ा सा टाइम दे, एम्बुलेंस को रास्ते में साइड दे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।